हेलो स्टूडेंट्स, कस्तूरी देवी कॉलेज की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि पीआई आसानी से कैसे निकाले। ठीक है, तो पीआई आसानी से निकाले इसके कुछ मेथड हम पढ़े थे, पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है स्टूडेंट, उसके पांच मेथड थे। ठीक है, कितने मेथड थे? पाँच। सबसे पहला मेथड था जो हम पढ़ रहे थे कि जैसे जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है एफ ओ डी इंटू वाई बराबर क्यू एक्स। ठीक है, तो ये हम पढ़ रहे थे कि अगर यदि क्यू एक्स जो है अपना e की पावर ए एक्स इस टाइप का हो तो हम पी आई कैसे निकालेंगे। तो पी आई कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, ये भी हमने जाना था। तो वन अपॉन एफ ओ डी, ठीक है, इंटू क्यू एक्स। ठीक है, ये वाई की वैल्यू जो पी आई बोलते हैं ना। अब यहाँ से क्यू एक्स क्या है अपना, e की पावर ए एक्स। ठीक है, ये दे रखा है। अब यहाँ से अगर दो कंडीशन से, अगर एफ ओ डी डी की जगह ए रखने पे, ये वाला ये जो एक्स का मल्टीपल होता है वो रखने पे अगर इसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आती है तो पी आई कैसे निकलेगा। पी आई बराबर वन अपॉन एफ ऑफ ए, क्योंकि ये ज़ीरो आ नहीं रहा ना नीचे, तो फिर एग्जिस्ट करेगा और ई की पावर ए एक्स। ठीक है, ये पी आई हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, कोई वैल्यू आएगी, अदरवाइज इसको समीकरण स्टार नाम दे दिए। ये हो गया केस एक। क्या हो गया केस एक। ठीक है, ऐसे ही केस दो, ये क्या होगा यदि एफ ऑफ ए रखे, ये ए डी की जगह ए रख दिया जाए तो ये जीरो आ जाए, तो फिर क्या करेंगे। तो स्टूडेंट एफ ओ डी को हम ब्रेक करेंगे डी माइनस ए की डी डी बराबर ए रखने पे कितने पॉइंट्स पे जीरो आ रहा है, मतलब आर तक। ठीक है, और एक दूसरा होगा फाई डी इस टाइप का। ठीक है स्टूडेंट, तो पी आई कैसे निकालेंगे। पी आई बराबर वन अपॉन ये रख देंगे एफ ऑफ डी की जगह, तो डी माइनस ए क्या हो जाएगा, डी माइनस ए की होल पावर आर। ठीक है, इंटू फाई डी, और क्यू क्या दे रखा है ई की पावर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ये क्यू क्या दे रखा है यहाँ से ई की पावर ए एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से इसमें ए रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, लेकिन इसमें ए रखेंगे तो जीरो नहीं होगा, तो यहाँ से इसका पी आई बराबर क्या आ जाएगा, पी आई बराबर इसका जब इसको सोल्व करते हैं तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, क्योंकि इसका मेथड इसका जो कैसे सोल्व करता है वो नहीं देखना हमारे, वो अगर ऐसा आ रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ई की पावर ए एक्स। ठीक है, सॉरी, इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर आर। ठीक है, ये आर है ना, तो एक्स की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल क्या आ रहा है, आर फैक्टोरियल। ठीक है स्टूडेंट, और ई की पावर ए एक्स, और जो फाई इसकी जगह डी की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे ए फाई, क्योंकि फाई डी फाई ए क्या है, सॉरी यहाँ पे फाई ए जीरो नहीं है। ठीक है, ये वो वाला फैक्टर है जहाँ पे ए डी की जगह ए रखने पे जीरो ना आए, तो ये क्या आ गया, ये हमारा आ गया पी आई, कब जब एफ ऑफ ए जीरो आए, तो ऐसे निकालना है। तो ये दो केस हो गए स्टूडेंट, हम ये पढ़ रहे थे। अब इसका एक एग्जांपल देखे थे, आज
एक और एग्जांपल देखते हैं, कुछ इसकी एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, उनकी चर्चा करते हैं स्टूडेंट, इसको और अच्छे से समझते हैं। तो देखिए, स्टूडेंट, अब हम एग्जांपल एक करेंगे, सबसे पहले एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। एग्जांपल में एग्जांपल नंबर 4, एग्जांपल 4 है कि हल कीजिए ये है D4 - M4 इंटू वाई बराबर कोस एच एम एक्स। ये हाइपरबोलिक फंक्शन दे रखा है, ठीक है स्टूडेंट, इसको जो कोस हाइपरबोलिक एम एक्स ये बोलते हैं, तो इसको मैं समीकरण एक नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ से सबसे पहले इसका सी एफ निकालेंगे, इसका व्यापक हल वाई बराबर क्या होगा, सी एफ बराबर प्लस पी आई, ठीक है। तो सबसे पहले सी एफ निकालते हैं, उसके बाद पी आई की चर्चा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो जब पी आई की चर्चा करेंगे तब और डिस्कस करेंगे कि ये हाइपरबोलिक फंक्शन होता क्या है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। अब समीकरण एक, समीकरण एक का सहायक समीकरण निम्न है, यानी नीचे है, ठीक है स्टूडेंट। तो सहायक समीकरण में क्या करते हैं, डी की जगह एम रिप्लेस कर देते हैं, डी की जगह क्या रख देते हैं, एम, ठीक है। और ये जो क्यू एक्स है उसको जीरो रख देते हैं। तो यहाँ पे एम पहले से है छोटा एम, तो हम बड़ा एम ले लेते हैं, डी की जगह क्या रख देंगे, बड़ा एम, ठीक है स्टूडेंट। बड़ा एम की घात 4, ठीक है, माइनस स्मॉल एम की घात 4, ठीक है, इंटू वाई बराबर 0, तो वाई 0 में चला जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। यहाँ से अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ से हम कर सकते हैं कि बड़ा एम का स्क्वायर माइनस सॉरी ये करते हैं बड़ा एम को लिख सकते हैं ऐसे डबल स्क्वायर में, ठीक है स्टूडेंट। तो एम की पावर 4 हो गई, यहाँ से घात 4 हो गई ना, ऐसे इसको भी डबल पावर में लिख देते हैं, क्योंकि घात के ऊपर घात गुणा होती है, ठीक है। अगर घात के ऊपर घात हो तो घातें आपस में क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बराबर 0। अब स्टूडेंट हम जानते हैं कि ए स्क्वायर चूँकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है, ये होता है, ठीक है स्टूडेंट, ये होता है अगर ऐसा है। तो अब यहाँ पे ये क्या है, इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है ना। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कैपिटल एम स्क्वायर माइनस स्मॉल एम स्क्वायर, एक बार माइनस में लिख देंगे एक बार प्लस में, ठीक है, बराबर 0, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ से देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ से कैपिटल एम बराबर एक तो ये आ जाएगा, यहाँ से इसके फैक्टर हो जाएंगे एम प्लस 1 और एम माइनस 1, ठीक है, वापस ये फॉर्मूला लग जाएगा इस पर। तो इसको इसको हम लिख सकते हैं एम प्लस एम, एक बार माइनस लिख देंगे, ठीक है। ऐसे इसका क्या आएगा, इसका फैक्टर होगा कैपिटल एम प्लस आयोटा एम और कैपिटल एम माइनस आयोटा एम,
इसमें आयोटा आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि ये प्लस का साइन है ना, तो आयोटा में ये इमेजिनरी पार्ट वाला अगर ब्रेक करोगे तो ऐसा ही आएगा। अब यहाँ से एम का वैल्यू कैपिटल एम, क्योंकि डी की जगह कैपिटल एम हम रखे थे, बड़ा एम, तो बड़ा एम का वैल्यू क्या आता है, यहाँ से आता है, जैसे सबसे पहले ये आएगा एम, जीरो रखेंगे तो इसको गुणनखंड को, इसको रखेंगे तो माइनस एम आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ से रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस आयोटा एम, और यहाँ से रखेंगे तो प्लस का आयोटा एम। तो ये इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक तो प्लस माइनस आयोटा एम आ गया, ठीक है, प्लस माइनस, और एक क्या आ गया, प्लस माइनस, ये क्या आ गया, प्लस माइनस एम, ठीक है स्टूडेंट, ये दो आ गए थे, दो मानिए चार आ गए, ठीक है, कैपिटल एम, बड़ी एम का मान। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सी एफ ज्ञात कर लेंगे, तो सी एफ देखना ज़रा, तो सी एफ, अब चूंकि ये तो एक रियल नंबर है प्लस माइनस एम, और यहाँ पे आयोटा आ रहा है, तो ये क्या हो गया, प्लस माइनस आयोटा एम, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ठीक है, इमेजिनरी नंबर। तो सबसे पहले उसका जैसे लिखते हैं सी वन, और अलग अलग है ना, e की पावर एम एक्स स्मॉल एम एक्स, ठीक है, प्लस सी टू e की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, ये आ गया। और अब इसका लिखते हैं प्लस माइनस आयोटा एम का, तो इसका आएगा प्लस सी थ्री कोस आएगा, एम आ रहा है यहाँ पे, तो एम एक्स प्लस सी फोर यहाँ पे आ जाएगा साइन एम एक्स, ठीक है। और चूंकि अल्फा है नहीं, तो ये इसके गुणा में e की पावर अल्फा एक्स आती है, तो e की पावर जीरो एक्स आएगा, वन हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है, ये है चार, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इसको नाम दे देते हैं समीकरण दो सी एफ वाले को, ठीक है स्टूडेंट, ये सी एफ बराबर सी वन e की पावर एम एक्स, ठीक है, प्लस सी टू e की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस सी थ्री इंटू कोस एम एक्स प्लस सी फोर साइन एम एक्स, ठीक है, ये आ गया। अब पी आई निकालते हैं स्टूडेंट, तो पी आई बराबर क्या करेंगे, यहां से तो पी आई कैसे निकालेंगे, इसमें कोस एच, कोस हाइपरबोलिक एम एक्स आ रहा है, तो सबसे पहले लिखते हैं वन अपॉन जो आ रहा है डी फोर माइनस एम फोर, ठीक है, क्या आ रहा है, डी फोर एम फोर, और इंटू कोस हाइपरबोलिक एम एक्स, ठीक है। अब यहाँ से इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी आई बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि डी, एक तो क्या लिख सकते हैं, ऐसे इनके टुकड़े कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से देख लीजिएगा डी माइनस एम, एक तो ये हो जाएगा, एक हो जाएगा डी प्लस एम, और एक रहने देते हैं ये प्लस वाला, इसके फैक्टर करते नहीं है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, डी स्क्वायर माइनस प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, तो ये तो हो गए इसके फैक्टर, इंटू कोस हाइपरबोलिक, चूंकि कोस हाइपरबोलिक जो होता है इसका फॉर्मूला होता है कोस एच एक्स का, कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसको ये बोलते हैं, ये क्या होता है, हाइपरबोलिक फंक्शन, हाइपरबोलिक ये हाइपरबोलिक फंक्शंस होते हैं ये इस टाइप के। तो पहला क्या है, कोस हाइपरबोलिक एक्स, इसका फॉर्मूला होता है ई की पावर एम एक्स
प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स और बटे दो, एक तो ये होता है। दूसरा होता है साइन हाइपरबोलिक जो ज़्यादातर काम में आते हैं यहाँ पे, ठीक है, जैसे एम एक्स है तो बराबर, अगर यहाँ पे केवल अकेला एक्स है तो ये एक्स ही आएगा, ठीक है, तो इसका आता है ई की पावर एम एक्स माइनस, ये प्लस की जगह माइनस आ जाता है बस साइन वाले में, माइनस एम एक्स बटे दो, ठीक है। तो ये इनके फॉर्मूले होते हैं हाइपरबोलिक फंक्शंस के, ठीक है। तो अब कोस हाइपरबोलिक एक्स की जगह क्या रख देंगे हम, ई की पावर एम एक्स, तो ये मैं रख देता हूँ, ठीक है स्टूडेंट, ई की पावर एम एक्स प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स बटे दो, ठीक है, ये हो गया, ठीक है स्टूडेंट। अब ई की पावर एम एक्स ये तो हम देखे ही थे इसका कैसे निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अब हम इनको ब्रेक कर लेंगे, अलग अलग ई की पावर के दो आ गए ना प्लस में और माइनस में, तो यहाँ से देखिएगा अब यहाँ से पी आई बराबर, अब चूँकि सबसे पहले जैसे क्या होगा कि एक बार तो ई की पावर एम एक्स लगेगा, ठीक है, अगर इसको तोड़े तो ऐसे टूट जाएगा ना, ये ई की पावर एम एक्स बटे दो और प्लस ई की पावर माइनस एम एक्स बटे दो, ये ऐसे हो जाएगा। तो एक बार तो ये लेके चलेंगे, ठीक है, इसको भूल जाओ आप, एक बार ये लेके चलेंगे वो माइनस वाला, ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्लस वाला करता हूँ, ठीक है, दोनों लिखेंगे। जब प्लस वाला लेंगे तो स्टूडेंट देखिएगा, जैसे प्लस वाला लेंगे यहाँ पे तो ई की पावर एम एक्स, तो एम रखेंगे यहाँ पे, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो नहीं होगा और यहाँ पे ये भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी जगह इसकी पावर क्या है, वन है ना, तो इसका हम कर सकते हैं एक्स की पावर वन, क्योंकि इसकी पावर क्या है, वन है यहाँ पे, ठीक है, तो एक्स की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया। इनटू इनकी जगह क्या रखेंगे, ई की पावर एम एक्स, ठीक है, और जो दो है वो है ही अपना, ये भी ले लेते हैं ई की पावर एम एक्स बटे दो, और इनकी जगह एम रख देते हैं, तो ये तो क्या हो जाएगा, एम रखेंगे तो 2m, और ये क्या हो जाएगा 2m स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। तो एक तो ये हो गया प्लस, क्योंकि बीच में प्लस है ना, तो प्लस चलेगा यहाँ पे। अब देखिएगा स्टूडेंट, दूसरा माइनस m है, अगर यहाँ पे माइनस m रखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे भी इसकी पावर भी कितनी है, इसकी भी एक ही है पावर, घात एक ही है, तो ये आपकी बार ये जीरो होगा, ठीक है स्टूडेंट। और ये चूँकि डी स्क्वायर में डी की जगह आप एम रखो तो क्या आएगा, सॉरी एम स्क्वायर ही आएगा, ठीक है, और या डी स्क्वायर की जगह माइनस एम रखूँगा और फिर स्क्वायर करेंगे तब भी क्या आएगा, एम स्क्वायर ही आएगा, तो दोनों से एम, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, ये प्लस का ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका एक्स की पावर वन अपॉन वन फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू, ठीक है, अब ई की पावर माइनस एम एक्स बटे दो, ठीक है, अब ये क्या आएगा, यहाँ पे रखेंगे तो माइनस का टू एम, माइनस टू एम, ठीक है, और वहाँ क्या आएगा, टू एम स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट, तो ये आ जाएगा पी ए। अब यहाँ से आप इनको जोड़ दो तो देखिएगा पी आई बराबर, यहाँ से ये कितना आ गया, दो चार आठ, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, ठीक है, तो x ऊपर बचेगा x इंटू ई की पावर एम एक्स, और नीचे
वन फैक्टोरियल का वन ही होता है, जीरो फैक्टोरियल का बराबर वन फैक्टोरियल का बराबर कितना आता है, वन ही आता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आप ध्यान रखना। अब यहाँ से ये एट, ये कितना आ गया एम, और एम एम क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस इधर क्या आ जाएगा, ऊपर आएगा एक्स इंटू ई की पावर माइनस एम एक्स, और नीचे दो ये माइनस का एट आ जाएगा। ठीक है, और एम क्यूब, और वन फैक्टोरियल का वन फैक्टोरियल ही रहे, वन फैक्टोरियल का वन ही आएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब ये माइनस जो है ये यहाँ पे ले लेते हैं बार। ठीक है, तो अब इनका क्या हो जाएगा देखना स्टूडेंट, यहाँ से पी आई बराबर मैं एक्स बटे एट एम क्यूब ये ले लेता हूँ कॉमन, तो क्या आएगा e की पावर एम एक्स, इधर ये बचेगा, इधर क्या बचेगा माइनस e की पावर माइनस एम एक्स। ठीक है, और यहाँ पे चार कर दूँ, दो इंटू चार, आठ को ऐसे लिख सकते हैं ना, दो इंटू चार, तो ये दो है, ये यहाँ पे न लिख करके यहाँ पे लिख देता हूँ इसके नीचे। ठीक है, अंदर तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये साइन हाइपरबोलिक एम एक्स का। ठीक है, अभी बताया था ना, तो ये फॉर्मूला बन गया एक्स बटे फोर एम क्यूब, और ये हो गया साइन हाइपरबोलिक एम एक्स। ठीक है, साइन हाइपरबोलिक एम एक्स जो ब्रैकेट वाला है, तो ये क्या आ गया पी आई। ठीक है, ये क्या आ गया अपना पी आई, ये है समीकरण तीन। ठीक है स्टूडेंट, अब व्यापक हल, व्यापक हल वाई बराबर, चूंकि डी अपॉन डी एक्स बराबर हम क्या मानते हैं कैपिटल डी, और चूंकि ये वाई आ रहा है ना, तो व्यापक हल क्या आएगा y में आएगा, y बराबर। ठीक है, तो यहाँ से y बराबर क्या आएगा सी एफ प्लस पी आई, तो सी एफ क्या है समीकरण दो और तीन से हो जाएगा ना, तो समीकरण दो से सी वन ई की पावर एम एक्स प्लस सी टू ई की पावर माइनस एम एक्स, ठीक है, प्लस सी थ्री कोस एम एक्स प्लस सी फोर साइन एम एक्स। ठीक है, और प्लस में क्या रख देंगे पी आई, तो पी आई एक्स बटे चार एम क्यूब। ठीक है, चार एम क्यूब इंटू साइन हाइपरबोलिक एम एक्स। ठीक है, तो ये समीकरण स्टार आ गया। ठीक है, ये व्यापक हल। ठीक है, y बराबर, तो समीकरण स्टार क्या है, समीकरण एक का जो ये है समीकरण एक दिया हुआ है उसका क्या है व्यापक हल है, तो आप लिख सकते हो समीकरण जहाँ सी वन सी टू सी थ्री सी फोर ये क्या है सब अचर राशियाँ हैं स्वेच्छ अचर। ठीक है, समीकरण स्टार समीकरण एक का व्यापक हल है, क्या है व्यापक हल है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हुआ अपना ये क्वेश्चन एग्जांपल नंबर फोर। अब इसके आगे हम देखते हैं एक बार, ठीक है राइट है, इसके आगे एक एग्जांपल देख क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज का। अब देखिए स्टूडेंट, मैं एक्सरसाइज जो अपनी है उसकी बात करते हैं।
ठीक है स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज अपनी है थर्ड सी। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं थर्ड सी की एक्सरसाइज की। तो इसमें जैसे एक सेकंड क्वेश्चन है, एक नंबर क्वेश्चन नंबर दो। ठीक है, तो ये है D2 -1 इंटू वाई बराबर कोस हाइपरबोलिक एक्स। ठीक है, ये है। तो इसका सिंपल, ये मान लीजिए कोई समीकरण एक है, तो यहाँ पे d की जगह m करेंगे तो m² -1 = 0, तो क्या आ जाएगा m = 1, तो यहाँ से m = ±1 हो जाएगा। तो इससे c f आसानी से निकाल लेंगे ना। अब pi की बात आती है, तो pi 1/d²-1। ठीक है, और cos का इसके e^x है +e^-x/2। तो सबसे पहले इसके लिए करते हैं, फिर इसके लिए कर लेंगे। तो क्या करेंगे, x 1 रखेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से इसका कर देंगे, इसका फैक्टर कि d+1 और d-1। ठीक है, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका pi आ जाएगा, एक तो x/1 factorial, ठीक है, इंटू e^x/2 इंटू यहाँ पे क्या रखेंगे 1, तो ये भी 2 आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये हो गया, एक वही अब की बार -1, यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो वही x/x^1 है ना, क्योंकि इनकी पावर 1 ही है, /1 factorial इंटू e^-x/2, और क्या आ जाएगा इसकी जगह माइनस का 2 -1 रखने से। ठीक है, तो ये माइनस हटा के मान लीजिए यहाँ लगा दो आप। ठीक है, ये 1 का 1 ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, x/4, तो x/4 कॉमन ले लो, x/4, तो यहाँ जाएगा e^x - 2 × 2, यहाँ पे ऐसे कॉमन ले लो आप। ठीक है, -e^-x, अब यहाँ से 1, 2 क्या ले लो, अंदर ले लो। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्या हो गया, ये साइन, तो क्या आ जाएगा यहाँ से e^x/2 sin hyperbolic x, ये बच गया। ठीक है, ये क्या आ गया अपना pi, तो इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि cf आप यहाँ से निकाल लोगे और pi आ गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया दूसरा क्वेश्चन। तो फैक्टर करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बस फैक्टर करने में आएगी या तो गुणनखंड करने में जब cf निकालते हैं तो। ठीक है, तो फिर जब फैक्टर पता चल गया तो pi में भी वही फैक्टर निकालेंगे उसी तरीके से, क्योंकि उसी चीज़ का निकालना है ना, उसी पद वही रहेगा हमारे पास। ऐसे ही एक क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन ये आया हुआ क्वेश्चन है आपको। सबसे पहले चलो मैं 8वां क्वेश्चन और करवाता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, तो 8 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। 3d²-4d हल कीजिए, ऐसे है 3d²-4d + 5। ठीक है, (y = e^x - 2 + 3). ठीक है, (-2)(e^2x + 3)(e^3x), ये है हमारा समीकरण 1। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से देखिएगा, सही है, अब यहाँ से सॉल्यूशन, सहायक समीकरण में डायरेक्ट लिखता हूँ,
जैसे d की जगह m कर देता हूँ, तो 3 डी एम स्क्वायर माइनस 4 एम और प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा m, m की वैल्यू आप ऐसे नहीं चेक करके, आप श्रीधर आचार्य सूत्र से भी निकाल सकते हो डायरेक्ट, जैसे कि m बराबर, क्योंकि द्विघात समीकरण है ना, यहाँ से तो आप मैं निकाल देता हूँ माइनस बी, तो b तो पहले माइनस में, तो प्लस का हो जाएगा ना, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 16 माइनस 4 ए सी अपॉन 2 ए। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4, ठीक है ये है 4, ठीक है प्लस माइनस अंडर रूट यहाँ से 16, ठीक है और 4 तिया 12 पंजे 60, ठीक है ये आ गया बटे 2। अब यहाँ से 60 माइनस 60 में से 16 निकाले कितना आ जाएगा 4 5 तो 44 बच गए। ठीक है, कितना बच गया यहाँ पे टोटल 44। ठीक है स्टूडेंट, तो जब 44 बच गया माइनस का वो भी, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं वहाँ से m बराबर 4 प्लस माइनस ये आ जाएगा आयोटा इसको हम लिख सकते हैं 4 11 44। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस इंटू 11 इंटू 4 क्योंकि 11 चौक 44 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, तो यहाँ से 4 आ जाएगा 12, तो क्या हो जाएगा 4 12 आएगा तो कितना आ जाएगा 2, कितना 2 और अंदर क्या बच जाएगा माइनस का 11, ठीक है बटे 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे क्या बच गया 2, तो 2 प्लस माइनस माइनस 11, ठीक है और नीचे 2 कट गया वो 1 हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम इसको क्या कर सकते हैं अंडर रूट 2 को ये इसको लिख सकते हैं हम m बराबर 2 प्लस माइनस आयोटा अंडर रूट 11, क्योंकि इसको ऐसे लिख सकते हैं ना माइनस 11 को माइनस 1 इंटू 11, तो माइनस 1 को अलग कर दो, ठीक है और 11 को अलग कर दो यहाँ से तोड़ के, ठीक है तो ये अलग हो गया और ये अलग हो गया, तो इसको क्या कर देते हैं क्योंकि आयोटा बराबर क्या होता है अंडर रूट माइनस 1, तो ये तो आयोटा हो जाएगा और ये अंडर रूट 11। ठीक है, तो ये क्या आ गया इसकी वैल्यू, तो यहाँ से सी एफ क्या आ जाएगी, सी एफ आ जाएगी यहाँ से चूंकि ये आयोटा में आ रहा है ना और अल्फा भी आ रहा है, तो सब सी वन कोस अंडर रूट 11 एक्स, ठीक है प्लस सी टू साइन अंडर रूट 11 एक्स, ठीक है ऐसे ही ई की पावर 2x, ये अल्फा 2 है ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, तो ये क्या आ गया समीकरण 2, ये आ गया सी एफ, क्या आ गया सी एफ। अब पी आई देखिएगा, पी आई आ जाएगा 1 अपॉन 3d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5, ठीक है ये आ गया ना यहाँ से, ये आ गया, इसको क्या लिख सकते हैं e की पावर, सबसे पहले ये लगाएंगे फिर ये लगाएंगे, ठीक है जैसा कि हम उसमें किए थे क्वेश्चन में, फिर ये ऑपरेट करेंगे, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ ये वाला। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे इस तरफ लिख देता हूँ, ये सिंपल कर लोगे आराम से, अगर जो कंटिन्यू वीडियो ऑनलाइन लेक्चर ले रहा है कंटिन्यू, एक भी लेक्चर मिस नहीं कर रहा है,
ठीक है, तो वो स्टूडेंट एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो उससे होगा नहीं, वो सभी के सभी क्वेश्चंस कर सकता है। और अगर आप वीडियोज नहीं चेक देख रहे हो तो आपको पता ही नहीं है कौन सा चीज़ क्या कैसे क्या हल करते हैं किस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ से ठीक है, तो वहाँ से पीआई क्या आ जाएगा, ये वाला पीआई निकाल रहे हैं इधर, मैं ये वाला पीआई यहाँ लिख रहा हूँ इसके बाद। ठीक है, इसके बाद तो वहाँ से अगर वन के लिए वन रखेंगे यहाँ पे तीन आ जाएगा। ठीक है, तीन माइनस चार और प्लस का पाँच, तो देखो प्लस का कितना हो गया, तीन और पाँच आठ, तो आठ माइनस चार बराबर चार हो गया, तो ये नीचे वाला क्या है, जीरो नहीं हो रहा इसके लिए। ठीक है, तो इसके लिए तो आसानी से आप निकाल सकते हो। अब टू टू रखेंगे तो क्या आ जाएगा, अब टू के लिए देखते हैं प्रॉब्लम किस जगह कर रहा है वो, तो टू के लिए देखे तो टू के लिए देखना आप, चार तिया, क्योंकि टू के लिए ये चार हो जाएगा, चार तिया बारह हो जाएगा, माइनस चार दूनी आठ, ठीक है माइनस चार दूनी आठ प्लस पाँच, तो ये भी नॉन जीरो है। ठीक है, ग्रेटर देन जीरो ही होगा, ये क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन जीरो होगा स्ट्रिक्टली, कोई पॉजिटिव संख्या होगी, तो इसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये नीचे वाला पार्ट एफ ओ डी जब जीरो आता है तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर इसके टुकड़े करने पड़ते हैं, अदरवाइज तो टुकड़े करो ही मत। तीन के लिए नौ जाएगा और नौतीस सत्ताईस, अगर तीन के लिए ये क्या हो जाएगा, तीन तीन नौ और नौतीस सत्ताईस, माइनस तीन चौक बारह और प्लस का पाँच, तो यहाँ पे भी ये क्या है, ग्रेटर देन जीरो ही होगा स्ट्रिक्टली, तो यहाँ पे भी क्या है, ये प्लस का, तो यहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तो आप इजीली निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, जैसे वन अपॉन, मैंने पहले सबसे पहले ये पुट किया, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, थ्री इंटू वन का स्क्वायर इंटू फोर इंटू वन प्लस फाइव, तो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, पाँच और तीन आठ माइनस चार, तो चार आ जाएगा, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ प्लस के चार, ठीक है इंटू ई की पावर एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ई की पावर एक्स के लिए। ठीक है स्टूडेंट, अब ऐसे ही माइनस टू में वाले लिखता हूँ और ई की पावर टू एक्स, ठीक है ई की पावर टू एक्स के लिए करेंगे तो क्या होगा, ई की पावर टू रखे डी की जगह दो रख दो, यहाँ से इसके लिए करेंगे तो चार थी बारह माइनस चार दूनी आठ और माइनस पाँच, बारह और पाँच सत्रह, यहाँ से देखो चार बच गए, चार और पाँच ये प्लस का है, सॉरी कितना आठ चार, चार पाँच नौ, तो ये नौ हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, फिर प्लस सॉरी ये हाँ प्लस का तीन, फिर ई की पावर थ्री एक्स आ रहा है ना, तो तीन रखेंगे तो सत्ताईस आ जाएगा, तीन तीन नौ तीस सत्ताईस और चार ती बारह और प्लस का पाँच, तो क्या हो जाएगा, बारह दूनी चौबीस, चौबीस प्लस तीन सत्ताईस, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ क्या बच गया, बारह, बारह तीन पंद्रह प्लस पाँच बीस बच गए। ठीक है, तो ये क्या आ गया, पी आई। ठीक है, ये कौन सा समीकरण है, इसको आप नाम दे दो समीकरण, अब ये कैंसिल कर दो अगर कट रहे हैं तो, जैसे यहाँ से तीन से नहीं कट रहे कोई भी, तो आप इसको नाम दे दो समीकरण पहला, देखो ये ऊपर वाला ये अलग है, इसको आप मिटा दो, ये अलग है, इसकी नहीं कर रहे अपन चर्चा। ठीक है, तो पहला दूसरा सी एफ आई गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से ये है समीकरण चार, समीकरण तीन सॉरी समीकरण तीन। अब देखो समीकरण दो वह तीन से व्यापक हल y बराबर सी एफ प्लस पी आई, तो ये निकाल लो आप। ठीक है, ये क्या होगा, किसका व्यापक हल होगा, ये समीकरण इसका, समीकरण एक का, तो सी एफ ये रहा। ठीक है स्टूडेंट, सी एफ ये रहा, तो वहाँ पे सी एफ की जगह ये मान रखो बराबर में। ठीक है, ऐसे पी आई ये दे रखा समीकरण तीन से, पी आई रख दो तो वाई बराबर आ जाएगा। तो ये हुआ, अब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देता हूँ जो आपको करने हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप पहला क्वेश्चन कर लीजिए, दूसरा जैसा कि मैंने बता दिया था दूसरा, तीसरा क्वेश्चन, चौथा
सेवन एट मैंने करवा दिया है, नाइन करना है, टेन करना है और इलेवन करना है, इलेवन ट्वेल्व इलेवन करना है और चौदवा करना है और पंद्रहवा सोलहवा सत्रहवा ये सब करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे सेकंड मेथड, ठीक है स्टूडेंट। अगर क्यू एक्स बराबर साइन ए एक्स या कोस ए एक्स ये हो तो फिर हम क्या करें, पी आई कैसे निकालें ईजी तरीके से, ठीक है। ये सभी स्टेप है पी आई ईजी तरीके से निकालने के मेथड, ठीक है। अदरवाइज अगर ये मेथड पता नहीं हो तो पी आई निकालने में बहुत मुश्किल हो, बहुत कठिनाई हो, ठीक है स्टूडेंट। तो आप के डी कॉलेज के जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करना, शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद स्टूडेंट।